अपने विद्यार्थी हो आर सी एच एफ 1200 की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम फिजिक्स में पढ़ने जा रहे हैं न्यूमेरिकल्स यानी आंकी प्रश्न। हमारा दूसरा आंकी प्रश्न है, यदि किसी आवतल दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के नीचे का आधा भाग किसी अपारदर्शी पदार्थ से ढक दिया गया है तो दर्पण के सामने स्थित किसी बिंब के दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी देखिए समझिए, क्वेश्चन ये कह रहा है कि देखो दर्पण है, जैसे मान लीजिए हमारे पास में कोई दर्पण है अवतल से, यदि इसका भाई अपन जानते हैं इसके पीछे यहाँ पॉलिश कर देते हैं इसके पीछे, ठीक है, और यहां से यहां तक का जो एरिया होता है, जो भाग होता है, वो क्या होता है, इसका परावर्तक पृष्ठ होता है। अब किसने ये कह रहा है भाई, यदि हम इसको आधे को ढक दे ऐसे, और इसके सामने, जैसे माना कि इसके सामने यहां कोई बिंब रखी गई है, यहां कोई वस्तु रखी गई है, यदि इसको हम ढक दे आधे को तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये हमें क्वेश्चन कह रहा है। देखिए कोई भी दर्पण हो, यदि हम उसके परावर्तक पृष्ठ को आधा ढक देते हैं तो बनने वाला जो प्रतिबिंब है वो पूर्णतः बनेगा, यानी लेकिन अब इसमें अंतर ये रहेगा कि इस बिंब का जो प्रतिबिंब बनेगा पूरा ही बनेगा, पूर्णतः बनेगा प्रतिबिंब, लेकिन इसमें अंतर क्या रहेगा कि इसमें जो तीव्रता है वो आधी हो जाएगी, केवल तीव्रता आधी हो जाएगी, प्रतिबिंब इसका पूरा ही बनेगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर यही है कि बनने वाला जो प्रतिबिंब है वो पूर्णतः है, पूरा ही बनेगा बिंब का, लेकिन उसकी तीव्रता क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी, क्योंकि परावर्तक के जो नियम है, क्योंकि परावर्तक जो पृष्ठ होता है, प्रत्येक परावर्तक पृष्ठ के लिए जो परावर्तन होता है, परावर्तक के नियम सभी के लिए समान रूप से लागू होते हैं, चाहे आपका परावर्तक पृष्ठ आधा हो चाहे कितना भी कर दे, प्रत्येक पृष्ठ के लिए जो परावर्तन होता है, जो उसके नियम होते हैं, वो नियम सबके लिए समान रूप से लागू होते हैं, इसलिए इसका अंतर यही है कि इसमें केवल तीव्रता आदि हो जाएगी, इसके अलावा जो प्रतिबिंब है उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो ये इसका आंसर है। दूसरा क्वेश्चन है, कोई वस्तु 15 सेमी वक्रता त्रिज्या के अवतल दर्पण से 10 सेमी व 5 सेमी दूरी पर रखी है तो प्रत्येक स्थिति में प्रतिबिंब की स्थिति प्रकृति तथा आवर्धन ज्ञात कीजिए। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि कोई दर्पण अवतल है, इसके सामने 15 सेंटीमीटर दूरी पे वो बिंब रखी गई है, लेकिन यहाँ बिंब की दो कंडीशन है भाई, एक तो रखी गई है 10 सेमी पे हो, अगर हमारी यही बिंब 10 सेमी पे हो, अगर यही 5 सेमी पे हो, तो जो प्रतिबिंब बनेगा उसकी जो स्थिति है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये हमें बताना है कि इस दूरी में, इस कंडीशन में क्या प्रभाव पड़ेगा और उसकी प्रकृति क्या होगी, यानी वास्तु बनेगा, आवासीय बनेगा, और उसमें जो उसका आवर्धन है वो कितना होगा, ये हमें इसमें बताना है। देखिए पहले हम नंबर एक पर बात करते हैं। नंबर एक पर क्या है कि जो बिंब की दूरी दे रखी है हमें 10 सेमी, तो इसमें दिया है लिखेंगे हल, दिया है बिंब की दूरी, दिया है बिंब की दूरी u बराबर 10 सेमी, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन में आपको वक्रता त्रिज्या का मान दे रखा है, इसमें आपको फोकस दूरी का मान दिया हुआ नहीं है, लेकिन प्रिय विद्यार्थियों हमने एक टॉपिक में पढ़ा था कि जो फोकस दूरी होती है और वो आधी होती है किसकी, वक्रता त्रिज्या की, क्योंकि हमेशा जो फोकस दूरी होती है वो आधी होती है वक्रता त्रिज्या की, ये आपको हमेशा इनमें जो संबंध होता है इस संबंध आपको ध्यान रखना है। तो हम जानते हैं कि f का मान भाई क्या होता है, r अपॉन 2 होता है, मतलब
आर का मान कितना है यहाँ पे, आर का मान है 15 बटे क्या हो जाएगा 2। ईएफ का मान हो गया, यू का मान हो गया। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमें बी का मान चाहिए, हमें तो प्रतिबिंब की दूरी चाहिए, कहाँ बनेगा कैसा बनेगा। फिर हम लगाएंगे दर्पण सूत्र, ये दर्पण समीकरण जो क्या होता है भाई, ये होता है 1/f = 1/v + 1/u ये होता है, ये हमारा होता है दर्पण सूत्र, दर्पण फॉर्मूला। अब यहां देखिए आपको u का मान दे रखा है 10 सेमी, v का मान हमें ज्ञात करना है, हमने f का मान से निकाल लिया संबंध से क्योंकि फोकस आदि होती है किसी वक्रता त्रिज्या के लिए। अब भाई यहाँ आप सब की मान रख दीजिए, तो 1/f का मान कितना है 15/2, हम इसको 7.5 भी ले सकते हैं, इसका जो वैल्यू है 7.5 एक ही बात है, तो यहाँ आ जाएगा 7.5, ठीक है 7.5 बराबर भी हमें याद करना है, ध्यान रखना जो हमें ज्ञात करना है v का v रहेगा, u का u ही रहेगा। अगर हमें v ज्ञात करना है तो v का मान यानी v की वैल्यू v ही रखेंगे आगे, प्लस u का मान क्या है, u का मान हमें 10 सेमी पहले ज्ञात करना है। आप देखो आगे हम लिखेंगे चिन्ह परिपाटी से दर्पण का कौन सा है, दर्पण अवतल है, अवतल हम जानते हैं सब माइनस में होते हैं, तो इसमें ये आ जाएगा f का मान लेंगे माइनस में, -7.5 बराबर v हमें ज्ञात करना है, फिर कह रहा हूँ v का मान v ही रखेंगे, v का जो चिन्ह है वो चेंज नहीं होगा, जो हमें वैल्यू ज्ञात कर रहे हैं जिस राशि की उसका चिन्ह चेंज नहीं होता है। आगे देखो यहाँ ये आ जाएगा 10 माइनस में ले लेंगे, हमें v का मान ज्ञात करना है तो भाई ऐसा करेंगे 1/10 को इधर लिया उस पक्ष में, इधर क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, यह आ जाएगा -1/7.5 + 1/10 बराबर 1/v, क्योंकि हमें बी की वैल्यू ज्ञात करनी है। आप देखो ये हटाओ पॉइंट को, अपन जानते हैं गणित में अगर हम 10 को हटाते हैं तो यहाँ एक जीरो उतार देते हैं, तो यह आ जाएगा -10/75 + 1/10 / v, इसका एलसीएम ले लो 75 और 10 का, तो यहाँ 750 भी आप ले सकते हो, तो यह आ जाएगा 100 और यह आ जाएगा 75, ठीक है भाई। और यहाँ देखो 100 तो माइनस का है और ये 75 किसका है, प्लस का है, यहाँ बचेंगे -25/750, इसमें ये लिखते हैं इसको -25/750 बराबर 1/v, इसे काट लो भाई, 25 से कम 75 मतलब माइनस का 1/30 1/v, हम v का मान चाहिए इसे आपस में गुणा कर दो, बी कम बी माइनस का और 30 से कम 30, यानी यहाँ से भी कमान क्या जाएगा माइनस का 30 आगे भाई, समझ गए। तो हमने बी का मान ज्ञात कर लिया माइनस का 30, कब हमारी जब बिम 10 सेमी रखी गई थी। हम इसी प्रकार समय नंबर दो पे बात करेंगे कि नंबर दो पे हमारी जब बिम 5 सेंटीमीटर की दूरी पे होती है तो इस कंडीशन में इसका मान क्या प्राप्त होगा वो देखिए। तो देखो इस हम कंडीशन में हमें अभी आवर्धन और ज्ञात करना है, अगर हम आवर्धन ज्ञात करेंगे तो अपन जानते हैं आवर्धन, बताओ m बराबर क्या होता है भाई, v/u होता है सूत्र से, v/u v का मान रख देंगे तो आ जाएगा m बराबर का मान 30, तो माइनस का 30, यू का मान है माइनस का 10, ये दोनों हो जाएंगे प्लस, यानी ये आ जाएगा -3, एम का मान आ जाएगा -3, एम का मान माइनस का आ रहा है, इसका मतलब है कि प्रतिबिंब कैसा है, वास्तविक है। देखो अपन जानते हैं, हमने पहले पढ़ भी लिया कि प्रतिबिंब अपने दो प्रकार के होते हैं, एक तो आभासी और एक होते हैं वास्तविक।
जिस भी क्वेश्चन में अगर एम का मान माइनस में आता है तो आप समझ जाना कि वो प्रत्यय कैसे बनेंगे, वास्तविक और उल्टे बनेंगे। तो यहां लिख देंगे, यहां जो प्रकृति है इसकी वो क्या आ जाएगी, वास्तविक वास्तविक व उल्टा, ये इसकी आ जाएगी प्रकृति। ठीक है, हम इसी प्रकार से नंबर दो की जो कंडीशन है हम उसमें फिर से हम इसमें v का मान ज्ञात कर लेंगे। तो नंबर दो पे है जो हमारे बिंब 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, तो जो सेम वही फॉर्मूला है, सेम टू सेम ऐसे कैसे दर्पण समीकरण से 1/f = 1/v + 1/u, f का मान है 7.5, f का मान बराबर 1/v ज्ञात करना है, तो इसका मान आ जाएगा u का मान 5। आगे ले देंगे चिन्ह परिपाटी से, तो इससे क्या है, देखो माइनस का 7.5 वी हमें ज्ञात करना है, माइनस का 1/5, तो देखो इधर -10/2 भी चित्र हो जाएंगे, क्योंकि भाई यहाँ हटा पॉइंट को ऊपर क्या कर देंगे 0 से उसी तरह, और यहाँ इधर लियो या जाएगा प्लस का और 1/v का वी रहेगा। इसका एलसीएम ले हो तो एलसीएम आ जाएगा 75, इसका माइनस का 10 और ये आ जाएगा 15 बराबर 1/v, क्योंकि 5 का भाग 15 बार जाएगा 75 में, इसके 15 आ जाएगा, यह हो जाएंगे 5/75 बराबर 1/v, ये भी कट जाएंगे 15 बार। ठीक है, और 1/v यहाँ से का मान क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा, v बराबर 15 सेमी। अब देखो भाई यह v का मान क्या आ रहा है, प्लस में आ रहा है, v का मान प्लस में आता है तो हम समझ जाएंगे कि इस कंडीशन में यहाँ पे जो प्रतिबिंब है वो आभासी बनेगा। और अब इसमें आवर्धन ज्ञात करेंगे, m बराबर क्या आ जाएगा, -v/u, m बराबर आ जाएगा माइनस v का मान है 15। ठीक है भाई, और u का मान क्या है, u का मान आया है अपना 5 सेमी है, तो माइनस का 5। ठीक है, और अब इसका m का मान ज्ञात कर देंगे, इधर दिया जाएगा ये हो जाएगा प्लस और 3, तो बस इस कंडीशन में m का मान क्या आ जाएगा, प्लस। यदि m का मान प्लस में आ रहा है इसका मतलब क्या है, इसका मीन्स क्या है, इसका मीन्स ये है कि इसमें जो आवर्धन, इसमें जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा भाई, आभासी बनेगा, आभासी बनेगा और सीधा। तो आप ध्यान रखना अगर कहीं पर भी आपका m का जो मान है, जो आवर्धन का जो मान है, यदि वो प्लस में आता है तो आप समझ जाएंगे कि वो, क्योंकि उसका प्रतिबिंब आभासी बन रहा है और सीधा बन रहा है। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।